तो अपन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या हुआ था, स्टार्ट कर दिया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेक्चर में आई गेस काफी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, या कुछ लोगों को डाउट्स हैं। व्हाट्सएप पे मुझे काफी सारे मैसेज आए, तो कुछ लोगों को डाउट्स हैं, तो वो चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। एक पहला डाउट ये आया था कि जैसे मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर नेगेटिव चार्ज में क्या होगा। ठीक है, तो सब लोग पहले समझे अच्छे से कि लेट से मुझे अगर नेगेटिव चार्ज बनाना है तो मैं कौन सा चार्ज पास में लेके आऊंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। वो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बाउंड करेगा, पुल करेगा, उसके वजह से इस पूरे मेटल पे पार्शियली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अपन क्या करते हैं, हमें ये पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, करते अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले जाते हैं, बट यार इस बार तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना, प्रोटॉन थोड़े नीचे चला जाएगा, समझा कि नहीं। तो सर। यार एक्चुअली प्रोटॉन ट्रांसफर कभी होता ही नहीं है, कोई सी भी प्रोसेस हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होती है। तो ये फैक्ट है कि जैसे ही आपने इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया तो जो भी अनबाउंड चार्जेस है वो ग्राउंड उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज का मेथड क्या होगा, मेथड बदल गया है। न्यूट्रलाइज का मेथड कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ से उस स्फीयर के पास उसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अभी भी मूवमेंट किनका हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, और सिमिलर जैसा है वैसा सिनेरियो हो जाएगा। नेगेटिव वाला सिर्फ रिमेनिंग होगा, पॉजिटिव पूरा क्या हो जाएगा, बाउंड, और इस प्लस को हटा देंगे जैसे ही, नेगेटिव पूरे में फ्री टू मूव हो जाएगा। समझा कि नहीं यार, यस सर सर पक्का? हाँ बताए, कोई डाउट क्या किसी को? ओके नहीं सर गुड। फिर क्या था यार, ये वाले क्वेश्चन में भी काफी लोगों को डाउट्स आया, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था आप लोग को। क्वेश्चन ये समझें, ये जो थर्ड केस था काफी लोगों ने पूछा हुआ है इस पे, यार ये थर्ड केस हो क्या रहा है, सी इज रिमूव्ड एंड देन ए एंड बी आर सेपरेटेड टू अ लार्ज डिस्टेंस। तो एक्चुअली ये चीजें साइमल्टेनियसली ही हो रही हैं, मतलब सी को रिमूव भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं और ए बी को भी साइमल्टेनियसली रिमूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होंगी तो यहां पर क्या साइन आएगा, इस तरीके से अपोजिट बाउंड चार्जेस आएंगे, समझा ये वाला पॉइंट, कि ये जो सेकंड सर। केस है थर्ड केस उसका एक्सटेंडेड वर्जन ही है। तो जैसे ही हमने सी को रिमूव किया और इन दोनों को डिटैच किया तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और जब इनको और बहुत दूर लेके जाएंगे तो ये बाउंडिंग जो है इनकी वो खत्म हो जाएगी और पूरा प्लस पूरे चार्ज को मिल जाएगा, पूरे स्फीयर को, और पूरा नेगेटिव इसे मिल जाएगा। ठीक है ना, यस सर तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही फॉल्ट था, बाकी कुछ इश्यूज नहीं है। तो अभी बताओ यार, कोई स्पेसिफिक किसी और को डाउट है कुछ तो बताओ यार। ये सर वो लास्ट लास्ट केस, क्वेश्चन ओके, लास्ट केस हुआ क्या था यार, लास्ट केस एक बहुत ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मुझे पता था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 × Q1Q2 / R² ये यस है। अभी देखो हुआ क्या, एप्सिलॉन की जगह पर क्या यूज किया अपन ने, K एप्सिलॉन नॉट यूज किया। तो K एप्सिलॉन नॉट में यहां पर मुझे पता है कि अगर कोई मीडियम है तो मुझे उसका क्या रखना पड़ेगा, K, ठीक है, तो वहां पर K यूज करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि मुझे K यूज नहीं करना, मुझे क्वेश्चन AR जैसा ही सॉल्व करना है, तो मुझे अपने R को एडजस्ट करना पड़ेगा, टू गेट द सेम फोर्स मुझे R को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई कॉमन सेंस सिंपल दिख रहा है कि R की वैल्यू क्या लिख दूं, √K × R लिख दूं तो काम बन जाएगा, ऐसा ही आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ आई कि नहीं? सर तो ये जो √K R है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एयर इक्विवेलेंट। मतलब अगर किसी मटेरियल पे फोर्सेस कुछ लग रहे हैं, सेम फोर्सेस एयर में लाने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमने यहाँ पर समझाया था कि अगर बीच में हमने थोड़े
डिस्टेंस के लिए कुछ भी एक मटेरियल रख दिया, तो हम फॉर्मूला कोई सा भी यूज नहीं कर पाएंगे, ना तो एप्सिलॉन वाला ना ही के वाला, क्योंकि पूरे में नहीं है। तो बेस्ट ये होता है कि इस के को हटा के क्या रख दो यहाँ पर, एयर की डिस्टेंस। अगर एयर की है तो ये भी एयर की है और ये भी एयर की है, तो ये एयर की कितनी है, आर माइनस टी, टी हटा दिया तो ये रिमेनिंग एयर आ गई। और खुद टी का हमने देखा कि टी एयर में कितना है, रूट के टाइम्स, तो ये आ गई कि सेम फोर्स आएगा अगर आप एयर में इतनी डिस्टेंस यूज करो, और उसी को अपन ने यहाँ पर यूज कर दिया। बता समझ आया कि नहीं यार इस पे? Yes, सिनेरियो ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ था कि कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का आपको मास वगैरह पता होना चाहिए था, तो इन दोनों का अगर हम वैल्यू रख के देखें तो देखो 10^43 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो कि सबसे बेसिक यूनिट है, उन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू दियर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वगैरह में उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात नहीं करते, किनकी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। याद है केमिस्ट्री में किया होगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रूव किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस किया होगा ना न्यूक्लियस का, तो क्या वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बैलेंस किया था क्या? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एमवी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट किया होगा। याद आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को किया हुआ था, बट वो प्लेनेटरी लेवल की बातें थी, वहां पर चार्ज डोमिनेटिंग नहीं था, वहां पर उनके मासेस डोमिनेटिंग थे, ये फोर्स सिग्निफिकेंट था। इलेक्ट्रॉन वगैरह एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेटिंग होता है, ग्रेविटेशनल बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। रियल में तो एफ ई प्लस एफ जी करना चाहिए, बट यार 10^43 टाइम्स ज्यादा चीज है, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसे कंसिडर करने की। किसी को डाउट क्या कुछ यहाँ पर? नहीं सर। ओके चले, तो अपन ने कूलम्स लॉ देख लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट। क्या भाई? वेक्टर फॉर्मेट। अब पॉइंट ये कि वेक्टर फॉर्मेट पढ़ना क्यों है, खाली फॉर्मूले बस से काम काहे नहीं चलेगा, तो मैं बता रहा हूँ वेक्टर फॉर्मेट पढ़ने का रीजन सिर्फ ये है कि डायरेक्ट आपको ऑप्शंस दिखते हैं कि फोर्स आ रहा है 2(3i)+4(j), इसका मतलब फोर्स किस फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर फॉर्मेट में, तो आपको भी सॉल्व वेक्टर फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। समझा कि नहीं, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्मेट? अच्छा, पैटर्न रहेगा ग्रेविटेशन जैसा ही, क्या कि ये जो फोर्स है ये उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, आर के, आर क्या है, बीच की डिस्टेंस, पोजीशन, आर क्या है, पोजीशन, ये Q1 है, ये Q2 है, तो आर क्या है इन दोनों की, पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर मुझे चाहिए क्या, पोजीशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो ये हो गया R2 1, मतलब पोजीशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ टू माइनस पोजीशन ऑफ वन। ये क्लियर है नहीं सबको? हाँ सर। अच्छा, अब समझना है, ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुई डायरेक्शन। तो मैंने ग्रेविटेशन में भी बताया था कि ये कैप वेक्टर है ना, कैप वेक्टर की जगह कभी कभी हमें आर कैप दिया नहीं होता, आर वेक्टर दिया होता है, तो कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर फॉर्मेट में जब भी आपको एफ वेक्टर के साथ आर वेक्टर दिखता है तब नीचे क्या आता है, क्यूब आता है, क्यूब आता है, ये आपको लर्न रखना है, ध्यान रखना। डन। अब थोड़ा सा चीजें समझते हैं। सोचो प्लस और प्लस पार्टिकल है तो क्या, कैसा फोर्स करेगा, ट्रिपल करेगा। अब आर कैप की डायरेक्शन देखो, आर कैप हमेशा ऐसे अवे होता है ना टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, आर कैप, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 को अगर विद साइन रखो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। फोर्स इज
प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव आर कैप। लेकिन अगर क्यू वन क्यू टू में एक प्लस और एक माइनस हुआ तो आंसर क्या आएगा क्यू वन क्यू टू का, नेगेटिव, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर कैप। और वो दिख भी रहा है यहाँ पर कॉमन सेंस से, क्या कि अगर मुझे ये माइनस वाली की पोजीशन चाहिए तो फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, अट्रैक्शन। उल्टा कर लेते हैं, चलो मुझे पॉजिटिव की पोजीशन चाहिए तो पॉजिटिव को फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। हमेशा दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लर्न करने वाली बात समझ आई या नहीं? ठीक है, अब बात आती है कि पोजीशन वेक्टर निकालना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बताया, ये एक ए चार्ज है, ये एक बी चार्ज है, हमें चाहिए पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर क्या होगा, आर बी माइनस आर ए। कोई डाउट क्या इसमें, कोई डाउट क्या इसमें आर बी ए लिखने में? ठीक है, लेट से मुझे लिखना है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तभी तो मैं आर बी टू ए यूज करूंगा ना, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मैं फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बी पे। अगर मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या ए पे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो पोजीशन भी किसकी यूज करूंगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और जब मैं ये वेक्टर यूज करूंगा, याद रखें यहाँ पर आर क्या होगा, क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यार कि फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, बी ए पर या फिर ए बी पर, और इन दोनों में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो तो सिर्फ यही है एक नेगेटिव का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक नेगेटिव का। तो ये कंफर्म हुआ कि दोनों फोर्स म्यूचुअली क्या होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये तो हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था कि अगर ये ए है बी है, अगर बी को इस तरफ फोर्स फील हो रहा है तो ए को ये डायरेक्शन में फील होगा, अगर बी को रिपल फील हो रहा है तो ए को भी रिपल फील होगा। हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगी दोनों के फोर्सेस की, अपोजिट। तो बताएं वेक्टर फॉर्मेट समझ आया कि नहीं, कैसे करना है, आर बी ए ये निकालना। अच्छा ये आर निकालेंगे कैसे, अगर पता है हमें, जब कोऑर्डिनेट पता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो चलो सॉल्व कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्यू वन चार्ज रखा हुआ है कहाँ पर, 2.3 पर। क्यू वन है मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है कहाँ पर, 2.3 पर। एक क्यू टू रखा हुआ है 2 कूलम का चार्ज -4.6 पे, ये -4.8 पे। तो बताना है व्हाट इज द फोर्सेस, फोर्स वेक्टर, आपको क्या बताना है, फोर्स वेक्टर ऑन टू ड्यू टू वन, समझे, क्या बताना है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, आंसर के टाइम्स सम वेक्टर आएगा, वो वेक्टर सॉल्व करना है आप लोग को। चलो ट्राई करें यार सब लोग, सब लोग ट्राई करें। मैंने लोकेशन दी है दोनों चार्जेस की और मुझे फोर्स ऑन टू चाहिए ड्यू टू वन। सर हाँ सॉल्व हो गया क्या आयुष?
ओके गुड, बाकी लोग भी यार सॉल्व हुआ क्या? ओके गुड, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला, क्या होगा फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, समझा ना? अब कौन सा वेक्टर चाहिए यार, फोर्स ऑन टू चाहिए ना, डिव टू वन, तो यहाँ पर क्या करेंगे आर टू माइनस फोर में माइनस टू करोगे क्या आएगा, माइनस सिक्स, एट में थ्री फाइव, बट ऑलरेडी बाहर माइनस लगा है, समझा ना? यस सर। ये गलत हो गया बेटा, यहीं पर गलती हो गई। तो जल्दी करने के चक्कर में हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर देते हैं, और जो कि कह देते हैं कि सिली मिस्टेक है, बट ये बहुत कॉन्सेप्चुअल गलती है कि यार ये जो हमने सब्ट्रैक्शन देखा है ना, ये हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर रखा है इंडिविजुअली, तो एक्चुअली में ये आता है क्या, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। तो जब आप सेपरेट सॉल्व करते हैं ना, तब ये माइनस का नहीं ध्यान देना, ये माइनस ऑलरेडी यहां और यहां यूज हो गया है, समझा ना? Yes. हाँ, तो पक्का किसी ने गलती तो नहीं की यहाँ पर, माइनस सिक्स आई कैप प्लस फाइव जे कैप लिखा है ना? यस यस सर। हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया, क्यू वन क्यू टू आया तो फाइव इंटू टू कितना हुआ, टेन अपॉन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, तो अपन ये कर लेंगे, सिक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, इसकी पावर थ्री बाई टू आ जाएगी, ठीक है, टेन इन टू ये वेक्टर आ जाएगा। तो मेन आइडेंटिफिकेशन पता है ऑप्शंस का किससे हो जाता है, वेक्टर से, क्योंकि अगर आपसे वेक्टर फॉर्मेट पूछा है तो बस वो ये जानना चाह रहा है, ये समझ आया कि नहीं? Yes. तो ये जरूरी नहीं इतना सॉल्व करना, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर प्लस फाइव और माइनस टू आता तो क्या मुझे यहाँ पर विद साइन रखना होता है या विदाउट साइन? विद साइन रखना है, ध्यान देना है क्या, सब लोग ध्यान देना, वेक्टर फॉर्मेट में सारी चीजें विद साइन रखनी होती है, नॉर्मल अगर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो विदाउट साइन भी चलेगा, समझे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको कूलॉम्स लॉ सिंपल सॉल्व करने में। अब देखेंगे कूलॉम्स लॉ अगर मल्टीपल सिस्टम में सॉल्व करना है, क्या मल्टीपल चार्जेस हैं, तो अभी दो चार्जेस थे तो कैसे निकाल रहे थे अपन, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, अभी मैंने कर दिया कि एक तीसरा चार्ज है, ये क्यू वन ये क्यू टू ये क्यू थ्री, अब मुझे फाइंड करना है फाइंड द फोर्स ऑन थ्री, तो भाई थ्री पे कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, दो लोग, अब मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो बेटा वेक्टर में पढ़ा है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, काम बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा रिजल्टेंट निकालने में बेटा गलती हो जाएगी, थीटा ये वाला लेंगे या ज्यादा वाला, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स की डायरेक्शन पे, तो एक कॉमन सेंस से डायरेक्शन जरूर पहले निकाल लेना, सोचो ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है, अब बताओ F1 की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स Q1 और अवे, अरे ये फोर्स वेक्टर होगा या कुछ और, अवे ये फोर्स वेक्टर होगा, डन। अब नेक्स्ट Q2 के लिए कैसा होगा फोर्स, ये टूवर्ड्स, भाई एंगल ये वाला यूज होगा पीछे वाला नहीं, समझ आया कि नहीं, रिजल्टेंट का आंसर आएगा इस तरफ, तो क्या मल्टीपल चार्जेस के बारे में समझ आया कि नहीं यार सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेता हूँ, काम बन जाएगा, सपोज दो चार्जेस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों क्यू क्यू है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू को लिख दिया, सपोज हमने तीन चार्जेस ले लिए, कितने थ्री, अभी थ्री में देखो हमें इस पे फोर्स फाइंड करना है, किस पे, ये वाले पे, कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं,
ये वाला क्या होगा, अवे फोर्स लगाएगा, ये वाला अवे फोर्स लगाएगा, क्या दोनों फोर्स सेम है या नहीं? हाँ सर यार, अगर सेम है और 60 डिग्री है तो मैं क्या डायरेक्टली नहीं एफ नेट निकाल सकता? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इनटू एफ इनटू cos 60 कितना आता है? एफ रूट 3। याद करो यार, ग्रेविटेशन में ये सब सिखाया है बिल्कुल, कि बढ़िया जल्दी से याद रखना एफ रूट 3। और एफ की वैल्यू कितनी है? के स्क्वायर बाई आर। आर क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। ओके, अब क्या दे दिया? ऊपर वाला एक नेगेटिव दे दिया, तब बताओ क्या आंसर आएगा। ये सेटअप है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस एल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हूं, बट ये माइनस क्यू। फाइंड द फोर्स ऑन दिस माइनस क्यू, बताएं कितना आएगा? सब लोग सॉल्व करें। अगर दोनों प्लस है तो क्या कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, बीच का एंगल कितना है? 3 आएगा। 60। अब इक्वल है तो पक्का रिजल्टेंट कहां से आएगा? बीच में से। तो आंसर क्या आएगा? F root 3। चलो अब बदल देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं और इसे माइनस, और एक प्लस। अब बताओ क्या आंसर आएगा? तो एंगल कितना काउंट होगा अब? 120 डिग्री। ये एफ, ये एफ और 120, तो क्या आता है 120 सॉल्व करके? एफ से बीच में से जाएगा, मतलब इधर, समझा? उल्टा किया आपने, सॉरी, उल्टा। अच्छा हाँ, ओके ओके, उल्टा हो गया। नेगेटिव मतलब ये इधर अवे, और ये प्लस मतलब इधर। तो किस तरह फोर्स लगेगा इसे? इस तरफ। इसका मतलब अगर आप एक ऐसा प्लस फिक्स पकड़ो और इधर पैसे दो माइनस पकड़ लो, इसे एक रॉड से कनेक्ट कर दो, तो ये रॉड किस तरफ टर्न होने लगेगी? इस तरफ, ऐसे। समझा कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या है? इधर हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन। तो पक्का समझ आया कि नहीं यार मल्टीपल फोर्स सिस्टम में? ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पूरा फोर्स वेक्टर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? फोर्स वेक्टर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझें, तीन चार्जेस दिए हैं, दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, देखें कि नहीं? दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इस पे सारे पे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, किस पे? सारे पे वेक्टर फॉर्मेट कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी कभी एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो तो क्या पहले से वेक्टर फाइंड करना है क्या? नहीं, वेक्टर बाद में आराम से कर लेंगे। तो चलो स्टेप वाइज निकालते हैं सारे पार्टिकल पे फोर्सेस। पहले किस पे निकालते हैं? वन पे। तो वन पे बताओ, टू वाला कैसा फोर्स लगाएगा? माइनस आएगा इसकी तरह। ठीक है, और ये वाला किधर लगाएगा? अट्रैक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इक्वल है ना, तो ये वेक्टर आएगा ना 120 डिग्री पर, एफ ही आंसर आता है। बट सोचो आंसर वेक्टर फॉर्मेट में दिया है, तो इसका फिर क्या करने पड़ेंगे आपको? कंपोनेंट। समझ आया कि नहीं, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच रखना है अपना। तो बताए मल्टीपल चार्ज सिस्टम में ये पॉइंट सबको समझ आया कि नहीं यार? वेक्टर कैसे लिखना है ये ध्यान देना। ओके, जैसे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, तीनों कैसे चार्जेस हैं? ऑल फोर आर पॉजिटिव, तो हमें चाहिए कि कितने फोर्सेस लगेंगे। तो डेफिनेटली ये वाला एफ लगाएगा, ये एफ लगाएगा, बट इसकी डिस्टेंस कितनी है? अगर ये आर रूट टू टाइप है, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये एफ बाई टू ही बचेगा, तो रिजल्टेंट होगा एफ, और एफ का रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ रूट टू
और ये प्लस एफ बाई टू उसके साथ में रहेगा। समझा कि नहीं? नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो अब किसी को एक स्पेशल केस याद आ रहा है? ग्रेविटेशन में मैंने बताया था कि सपोज हमने 5 पार्टिकल्स यूज किए, 6 पार्टिकल यूज किए, उससे रिलेटेड कोई इक्विएंगल होते। यस सर। अगर वो इक्विएंगल्ड है सेंटर से, तो उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा सेंटर पे? जीरो। 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं और सारे इक्वल चार्जेस हैं, सही है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और कहां पर चेक करूं? सेंटर पे। सेंटर पे कोई भी मैंने रख दिया प्लस क्यू, तो इस पे फाइनल फोर्स क्या आने वाला है? जीरो। द रीजन इज ऑल द फोर्सेस फॉर्म्स इक्वल एंगल एंड इक्वल अमाउंट। ओके, ठीक है। तो ये एज अ एक अच्छा आइडिया था जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि अगर कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे फोर्स पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? जीरो। समझा कि नहीं? तो पेंटागन पे प्रूव करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अब हमें थ्योरम पता है तो हमें पता है कि नेट आंसर क्या आएगा सेंटर पे? जीरो। अब यार इस क्वेश्चन में ट्रिक किया क्या कि 6 चार्जेस अगर रख देता तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है या नहीं? जीरो। जीरो। लेकिन ये वाला सोचो हटा दिया, अब देखो क्या हुआ। इसको किसने कैंसिल किया? इसने। इसको कैंसिल किया ये वाले ने, रिमेनिंग कितना आया? प्लस। ये वाला। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखोगे तो आंसर किस तरफ आएगा? पीछे की तरफ। और अगर माइनस क्यू रखोगे तो आंसर ये तरफ। समझा या नहीं? तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज मिसिंग है तो आंसर जीरो नहीं करना, फिर उस चार्ज को सॉल्व करना है। तो पता है क्या करना है? ट्राई करना है कि कब जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाता है ये? अगर प्लस क्यू होता तो। मैथमेटिक्स बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया? एक माइनस क्यू। क्या हमने कुछ गलती की क्या? नहीं, हमने प्लस क्यू माइनस क्यू अभी भी कंजर्व है, तो ऑल प्लस क्यू वाले हो गए जीरो। मेरा सिर्फ आंसर क्या बचा फाइनली? एक हेक्सागन में कौन सा चार्ज रखा है? यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, यही हमें फाइनल आंसर देगा। समझा या नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंसिंग का हम ध्यान दे सकते हैं कि कैसे अपन को बैलेंस करना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेंटागन पे कि पेंटागन में 4 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इन सब के वजह से सेंटर पर एक माइनस क्यू रखा है, बताओ किस तरफ फोर्स लगेगा नेट? तो क्या करना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऊपर वाले पॉइंट पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू वाले सारे क्या होंगे? कैंसिल। कैंसिल। ये माइनस क्यू दोनों कैसा फोर्स लगाएंगे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड रिपल्सिव। तो इसे नेट फोर्स कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बताइए समझ आया कि नहीं? इस तरीके से मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं पेंटागन और हेक्सागन में, ठीक है ना? तो पेंटागन का आपको समझा दिया। हेक्सागन में देखें, अब हमने क्या रखे हैं? इस फिगर में देखें, हमने क्या किए हैं? चार्जेस बदल दिए हैं। यहाँ पर माइनस क्यू रखा है और यहाँ पर प्लस टू क्यू। तो अब बताओ सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस क्यू पे क्या करेंगे अपन? अरे प्लस क्यू रखेंगे और एक प्लस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू रखेंगे। तो प्लस क्यू तो जीरो का में हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा क्या बचेगा? माइनस क्यू, माइनस टू। ये प्लस टू क्यू का क्या करेंगे? उसके अपोजिट साइड में दो प्लस क्यू और दो माइनस क्यू। अरे दो क्यों ऐड करना है? प्लस क्यू दो अलग कर लो ना, एक बचेगा, एक बचेगा। समझा कि नहीं?
अरे भाई प्लस टू है तो उसे दो अलग अलग कर सकते हैं ना। हाँ तो सबके प्लस ने जीरो कर दिया, फाइनल रिमेनिंग कितना आया? फाइनल रिमेनिंग आया कि यहाँ पर प्लस क्यू बचा एक और यहाँ पर माइनस टू क्यू बचा, समझा कि नहीं? अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये कितना है प्लस क्यू है तो ये वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, 60 डिग्री का एंगल है, आप समझ जाएंगे। ये एक फोर्स क्या है एफ और वो टू क्यू है, इसलिए फोर्स कितना अमाउंट हो गया? टू है। ठीक है ना? तो इस तरीके से फाइनल रिजल्टेंट ये वाला बनेगा और अपन फिर फाइनल फोर्स निकाल लेंगे। तो बताइए रिप्लेस मेथड समझ आया या नहीं? हाँ सर। ठीक है, टाइम पढ़ने पे अकॉर्डिंगली रिप्लेस करके सॉल्व करना है। ओके चले, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, ट्राई करें, देखें, ट्राई करें सब लोग। सर आंसर 2F आता है क्या? एक मिनट है, देखना पड़ेगा। यस सर 2F आ रहा है। अच्छा 2F आ रहा है, चले देख लेते हैं। एक बात तो पहले ये समझना है कि थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा इजी हों, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं, आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। क्या देखो, अगर मैं बैलेंस करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर क्या रखूंगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना? यहाँ पर ऑलरेडी प्लस टू क्यू है, यहाँ पर टू क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, मतलब काफी ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर टू क्यू है उसे मैं क्या लिखूंगा, क्यू और क्यू, यहाँ पर टू क्यू है उसे भी क्यू एंड क्यू, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या रखूं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ पर टू क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो देखो यार कम होने की जगह उल्टा बढ़ ही गया सेटअप, क्यों बढ़ गया? क्योंकि रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग बहुत ज्यादा है, रिमेनिंग बहुत ज्यादा है, यहां पर एक क्यू बच रहा है, ठीक है, यहां पर भी एक क्यू बच रहा है, यहां पर कितना आ रहा है माइनस टू क्यू आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है एक क्यू बच रहा है और यहां पर माइनस टू क्यू, समझा कि नहीं? तो करना क्या है यार, बहुत ही कॉमन सेंस से यहाँ पे थोड़ा सा थॉट देना है क्या, कि ऐसा क्वेश्चन तभी बनेगा, इतने रैंडम तभी सेटअप आएगा जब क्या हो, चीजें कैंसिल हो रही हो, तो आपको एक कॉमन लॉजिक यूज करना पड़ेगा। एक क्यू ये है, एक क्यू ये है और एक क्यू ये है, ये तीन इक्वल फोर्सेस कितने एंगल पर है? 120। तो पक्का हमें पता है कि थ्री फोर्सेस अगर इक्वल डिस्टेंस है 120 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो। जीरो आता है। जीरो। तो टेंशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन अब इजी हो गया। क्वेश्चन में दो ही एक्चुअल फोर्सेस बचे, कौन सा? एक ये वाला और एक ये, समझा कि नहीं? और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो मुझे पता है कि अगर एफ और एफ के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो आंसर क्या आता है? एफ। बट यहाँ पर एफ मतलब 2q है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है? 2 2k q square by r square type।
ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल क्यू रखा है तो 2KQ टाइप आएगा। यह डिस्ट्रीब्यूशन समझ आए कि नहीं? तो इस तरीके से अपन काफी कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब यही करना था तो हम ये भी तो बोल सकते थे अभी से ही कि ये 2Q, ये 2Q और ये 2Q कितने एंगल पर है? 120। तो इनका आंसर क्या आ गया? जीरो। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, और अगर यहाँ पर भी एक माइनस क्यू होता तो इन तीनों का जीरो आता। तो यहाँ पर मैंने प्लस क्यू रखा और यहाँ पर एक माइनस क्यू, तो इस बार माइनस क्यू मिलके तीनों क्या बना दिए? जीरो। तो पता है फाइनल आंसर क्या है? 2Q किस डायरेक्शन पे आएगा? यहाँ पर रखा हुआ फील आएगा। समझाया नहीं? ये आएगा फाइनल आंसर। तो मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा? रिपल करेगा। तो प्रीवियसली हमने नेगेटिव की वजह से सॉल्व किए थे ना, तो यही वेक्टर तो आया था इधर ही। बताएं क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से यार अपन मल्टीपल पे काफी सारे फोर्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पे काफी सारे तरीके से इस तरीके से डील कर सकते हैं। क्लियर या नहीं? ओके, तो मल्टीपल फोर्सेस पे और बहुत सारे टाइप कैटेगरी बन सकते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, ये देखें चार्जेस को किस तरीके से अरेंज किया गया है इस क्वेश्चन पे। क्लॉक में जैसे आर्स है उस अकॉर्डिंग चार्जेस को अरेंज किया गया। अब बोला गया कि इस छोटे वाले पे नेट फोर्स बताओ, तो बहुत ही कॉमन सी वैल्यू है कि फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं। जैसे मैं देखूं अगर ये 1 है और ये 7 है, एक दूसरे को कैंसिल करके रिमेनिंग कितना आएगा? 6। ये 12 और ये 6 कैंसिल करके कितना रिमेनिंग आएगा? 6 ना, ये 2 और ये 6 8 कैलकुलेट करके रिमेनिंग कितना आएगा? 6। तो मतलब इस तरीके के वेक्टर्स बचेंगे हमारे पास 6 6 के। अब इनका रिजल्टेंट हमें सॉल्व करना है। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ऐसे बहुत सारे मेथड हो जाएंगे इस रिजल्टेंट को सॉल्व करने का। आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं कि कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है। इसका मेन पर्पस क्या है? प्रैक्टिस, कि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ यार कैसे फोर्सेस को टाइम पढ़ने पे कैंसिल करना है, कैसे वेक्टर को रिजल्टेंट वगैरह निकालना है। ठीक है ना? तो मल्टीपल फोर्सेस में इतने ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल फोर्सेस में किसी को कोई डाउट क्या? मल्टीपल सिस्टम में अगर आपको फोर्सेस निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे ना? क्या करना है? मैग्नीट्यूड देखना है आपका, और डायरेक्शन अलग से देखनी है, और वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हम चार्जेस को हैंग करते हैं तो उन पे स्ट्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब सोचो एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक क्या है हमारे पास? पॉजिटिव क्यू चार्ज, और साथ में हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉजिटिव क्यू और ले लिया है। ये कैसा है? फिक्स्ड। थॉट ये है कि इसका मतलब ये इसे रिपेल करेगा। अरे भाई समझा कि नहीं? तो अगर ये फिक्स चार्ज इसे रिपेल करेगा तो ये कितने एंगल पर जाकर इंक्लाइन होगी? तो मैंने बताया था ना कि अगर चार्ज है तो उसके पास डेफिनेटली एक चीज रहेगी, क्या? मास। इसका मतलब क्या होगा कि बैलेंस हमें करना पड़ेगा इसे। नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक एमजी। इधर की तरफ क्या लगेगा? एक
और बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझा या नहीं? तो इसका मतलब हमसे पूछता है कि व्हाट एंगल इट विल फॉर्म फ्रॉम द वर्टिकल, तो बताओ कौन किसे बैलेंस करेगा, बताओ जल्दी से। टी कॉस अल्फा एमजी को बैलेंस करेगा। नेक्स्ट टी साइन थीटा, तो इसका मतलब अगर मुझे चाहिए क्या अल्फा, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या टेन अल्फा, बताओ टेन अल्फा का आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एमजी। समझा या नहीं? तो एंगल ज्यादा कब बनाएगा, जब उसका एम कम और इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा, तब वो ज्यादा दूर जाएगा। जितना लाइट और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही वो दूर तक जाएगा। अब सोचो अगर हमें टेंशन निकालनी है तो टेंशन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड करेंगे। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्क्वायर प्लस एमजी का स्क्वायर। मुझे लगता है इसमें कोई किसी को टेंशन होगी नहीं, बहुत ही सिंपल सा आइडिया था सर। हाँ, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल घूम कहाँ रहा है, वो दूर जाएगा, स्पीड में नहीं गया, स्पीड नहीं। हम फाइनल सिनेरियो डिस्कस करें कि कब जाके बैलेंस होगा वो। देखो यार, ये दो टाइप के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एसएचएम या ऑसिलेशन से रिलेटेड होता तो बोलता कि ऐसे मूव करके जा रहा है और जहां पर फोर्स बैलेंस होता वो उसकी मीन पोजीशन बनती और फिर और आगे तक जाता वो। बट हम ये नहीं देख रहे, हम देख रहे कि वो स्लोली जा रहा है और कहां पर जाकर रुक जाएगा। ओके तो बताओ यार, अगर मैं अब ऐसे दो चार्जेस लगा दूं तब भी क्या कुछ सोचने की जरूरत है क्या? यार इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स है, एक म्यूचुअल फोर्स है। मतलब अगर इस पे लग रहा होगा जितना, उतना ही तो इस पे लग रहा होगा ना, समझा कि नहीं? तो इसका मतलब अगर दो चार्जेस पास में हैंग किए गए तो दोनों ही सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है ना? और एंगल कैसे निकाल सकते हैं, टेन किसी को कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। अच्छा सोचो, हम इनके चार्जेस बदल दें। अब सुनना, हम इनके चार्जेस अगर बदल दें तब क्या ये एंगल सेम रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं, तो क्या रहेगा ये आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है? उससे पहले एक और चीज सोचो, अगर मैं ये लेंथ अलग ले लूं, मतलब ये पहले एक पॉइंट से हैंग है, अभी मैंने ये बोला कि एक वर्टिकल लाइन से हैंग है, ये थ्रेड लेंथ अलग है, ये थ्रेड लेंथ अलग है, मतलब ये वाला सिनेरियो है, ऐसा कुछ है। इसको यहां से हैंग किया हुआ है और इसको यहां से, दोनों पास पास है। लेकिन अब जब ये रिपल्सन शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये ऐसे एंगल बनाएगा और ये ऐसे एंगल बनाएगा, समझा कि नहीं? तो इनकी लेंथ का फर्क पड़ेगा क्या कुछ? तो बताओ कि एंगल में लेंथ का फर्क पड़ता है क्या कुछ? नहीं। तो ऐसा लगेगा कि ये दूर गया, बट दूर नहीं गया, एंगल दोनों का क्या ही रहेगा, अभी भी सेम रहेगा। तो ये एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे अगर आप डिफरेंट लोकेशन से हैंग करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, टेन अल्फा क्या ही रहेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर एमजी अपॉन एमजी। बहुत ही बढ़िया यार, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एमजी रहेगा। अब समझो, अब यहाँ पर मैंने ये फोर डिफरेंट केसेस दिए आपको, मैंने सारे चार्जेस के मास वगैरह बदल दिए। अब आपको इनके एंगल पे कंपैरिजन बताना है कि अल्फा बीटा इक्वल होंगे या फिर अल्फा ज्यादा होगा बीटा से, क्या कैसे, ये ऑल फोर सॉल्व करें। टेक अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। प्रॉपर मुझे चाहिए, कोई ऐसे नहीं बोलेगा सर मेरा मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अल्फा ज्यादा होगा। आई नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। टेक योर टाइम, आंसर करेंगे फिर मैं एक एक से पूछूंगा, अल्फा ज्यादा होगा बीटा से या फिर बीटा ज्यादा होगा अल्फा से या फिर दोनों बराबर होंगे, तीन ही टाइप के आंसर पॉसिबल।
कैसे समझे, ये क्यू एम है, ये टू क्यू एम है, फिर यहाँ पर भी टू क्यू कर दिया दोनों को, फिर यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया, यहाँ पर दोनों का मास बढ़ा दिया, नहीं सॉरी मास स्विच किया, क्यू बढ़ा दिया अकॉर्डिंगली। फर्स्ट लोकेशन में अल्फा इक्वल टू बीटा ही होगा। ओके चले, अच्छा एक मिनट, ऑल फोर आप लोग सॉल्व करें फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा चलो पहला डिस्कस करते हैं, पहला सबने किया क्या? यस सर। ओके हर्षदा बताइए अल्फा बीटा में क्या होगा रिलेशन? सर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। अच्छा अल्फा इक्वल टू बीटा क्यों ऐसा लगा? So, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही होगा ना, और अल्फा मास पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, तो मतलब इतना सारा देने का सिर्फ मेन पर्पस ये था, क्या मेन पर्पस था ये समझना, कुछ लोगों को लगता है कि इसका चार्ज 2q है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? No. नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल फोर्स है q into 2q, दोनों पर ही क्या लगेगा, यही फोर्स लगेगा। इसका मतलब जो एंगल है वो क्यू से डिसाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए क्यू क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सेम होता है, जबकि उनका क्यू क्या है, अलग है। तो मेन डिपेंड किस पे करेगा? मास पे। मास पे, तो मास सेम है इसलिए दोनों का अल्फा क्या है, सेम। यहाँ पर ये टू क्यू है, ये टू क्यू है, फर्क नहीं पड़ता, मास अगर सेम है तो अल्फा बीटा सेम, यहाँ पर मास ज्यादा है तो अल्फा क्या आएगा, लेस देन बीटा। लेस देन बीटा, सही है, और यहाँ पर मास इसका ज्यादा है तो बीटा लेस देन अल्फा। क्यू से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्यू दोनों में म्यूचुअल है, सेम आएगा, ठीक है ना। भाई क्लियर है कि नहीं यार? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चले तो यार दो चीजें हमने यहाँ पर देखी कि स्ट्रिंग वगैरह से ऐसे हैंग करेंगे तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें सोचो अगर इस पेंडुलम को हम वाटर में लेके जाएं तब बताओ क्या चेंजेस आएंगे, समझना। पहले ये दो थ्रेड थे ऐसे थे, ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ओके। अब मैं इन्हें लेके गया वाटर के एक लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड में, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, कोई बताना चाहेगा इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा अल्फा पे, क्या आएगा टेन अल्फा? सर एफ ई चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, एफ ई सेम रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा, मास क्या हो जाएगा, mg माइनस बॉयंसी, बॉयंसी बेटा, बॉयंसी को लिख लेते हैं, बॉयंसी को कैसे लिखते हैं बताओ यार, v into rho lc, v into rho into g, जबकि ये rho किसका है, लिक्विड का, पक्का। तो क्या होता है ना, फॉर्मूला rho के टर्म्स में ही पूछने लगता है, तो इस m को क्या लिख सकते हैं, v into rho ऑब्जेक्ट, क्या होता है fe upon v, कॉमन ले लेते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं, आता है रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड, समझा कि नहीं? तो ये बताओ यार लिक्विड में डिप करने पे इनके बीच का जो एंगल अल्फा वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है? कम, बढ़ जाता है। अरे भाई एम का नेट सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा,
बढ़ेगा सही है। एक चीज तो हमने मिस कर दी ना यार, लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा, सेम रहेगा, के बदल जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स के टाइम्स हो जाएगा या वन बाई के हो जाता है? वन बाई के। समझा या नहीं यार सबको? हाँ सर। एक्चुअल टैन अल्फा ये था, लेकिन बाद में लिक्विड में डिप करने पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है। समझा कि नहीं सबको? पक्का किसी को डाउट इसमें? कुछ दो चीजें बदली, एम जी बदल गया किसमें, माइनस बांसी करके, और फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो बदल गया, वन बाई के हो गया, ठीक है ना? तो चले ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करें। इस क्वेश्चन में और डेटा मान लेते हैं, और डेटा गिवन मान लो, रो लिक्विड कितना गिवन है, रो लिक्विड मान लेते हैं 700, या एक मिनट, रो लिक्विड मान लेते हैं 1000, एंड रो ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं 3000। इसका मतलब जब रो ऑब्जेक्ट और रो लिक्विड की बात आ गई तो आपको क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी दे सकता था कि जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 3। समझा कि नहीं? और वो लिक्विड क्या है, वाटर है। चलो ट्राई करें फिर उसका के क्या आएगा। बाकी लोग को भी आया क्या 3/2? यस सर, 3/2। 3/2 तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया हो गया। क्या हो गया कि एंगल चेंज नहीं होना, इसका मतलब पहले वाला टेन अल्फा और बाद वाला टेन अल्फा क्या होना चाहिए, सेम। पहले वाला टेन अल्फा क्या था, फोर्स अपॉन एम जी, जबकि बाद वाला टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बाद वाला फोर्स अपॉन एम जी माइनस बोएंसी। बाद वाला फोर्स क्या हो गया था, इनिशियल अपॉन के, सिर्फ लिक्विड में डिप किया ना, और को तो कुछ चेंजेस किए नहीं, तो ये जस्ट हो जाएगा इनिशियल बाई के। तो इसका मतलब कैंसिल आउट कर दिया इनिशियल फोर्स, और के की वैल्यू क्या गई, एम जी माइनस एम जी बाई बोएंसी। सबको लिखा तो यहाँ पर हमारे पास रो के टर्म्स में आंसर आ गया के का, ठीक। अगर रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड। तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, रो लिक्विड कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या आएगा, रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट बाई रो लिक्विड माइनस वन। तो आंसर क्या आएगा, 3/3-1। समझा है नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये कैटेगरी समझ आई कि अगर थ्रेड वगैरह से हैंग कर रहा है तो किस तरीके से हम उसको एंगल या फिर टेंशन वगैरह फाइंड करेंगे। यहां तक ओके है? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि यार सेम चीजें जो यहाँ पर आ रही हैं ग्रेविटेशन पे भी पूछी जा सकती हैं, वो
बस प्रॉब्लम ये होती है कि चार्जेस में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन. ठीक है, जैसे हमने ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन देखा, ये ग्रेविटेशन में पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, सपोज दो चार्ज रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे. अब अगर मैंने इन्हें क्या कर दिया, फिक्स्ड, तो रिपल तो कर रहे होंगे बट कहीं मूव हो पाएंगे क्या ये? नहीं सर. नहीं. सोचो अब मैंने बीच में कहीं एक माइनस क्यू रख दिया, अब बताओ क्या होगा इस माइनस के साथ, ये इस तरफ पुल करेगा और ये इस तरफ, तो किसके तरफ माइनस जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? फोर्स से, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उस तरफ जाएगा. तो ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या पूछा जाता है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब क्या ढूंढना होता है हमें? एफ नेट क्या हो? जीरो. इसका मतलब इसका वाला फोर्स इसको क्या कर ले रहा हो? बैलेंस कर ले रहा हो. तो अगर मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है और पूरी डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d-x. और फिर मैं दोनों के फोर्स के फॉर्मूले को इक्वेट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा. समझा या नहीं? yes, sir. इक्विलिब्रियम फाइंड करना समझ आया? नंबर टू. अब ये चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल. तो कोई बताएगा कैसे चेक करते हैं स्टेबल अनस्टेबल? डिस्प्लेस करके देखते हैं. ओके, वेरी गुड. क्या करके देखते हैं? डिस्प्लेस करके देखते हैं. आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स क्या है? जीरो. अब थोड़ा सा इसे पुल करके देखो इधर, तो देखो अगर इधर वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो ये वापस आ पाएगा क्या? नहीं सर. नहीं, नहीं, इधर निकल जाएगा. तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल. अनस्टेबल. लेकिन अगर इधर स्लिप करने के बाद नेट फोर्स किस तरफ आ रहा है? पीछे की तरफ. तो ये इसे रिस्टोर कर देगा ना, तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? स्टेबल. तो यहाँ पे बहुत ही फेमस चार केसेस आते हैं, वो आपको समझने हैं और अच्छे से लर्न भी रखना है. ठीक है ना? चले देख लेते हैं वो चार वो केसेस क्या होते हैं. नंबर वन, पहले ये फाइंड करते हैं, पहले ये एग्जांपल आप लोग सॉल्व करके बताओ. एक प्लस क्यू है और एक प्लस फोर क्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी. तो पूछ रहा है बताओ कहां पर एक दूसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पर आएगा, एक दूसरा प्लस क्यू. सॉल्व करो यार. तो मान लेते हैं इससे कितनी डिस्टेंस पे आएगा? एक्स. इससे आ जाएगा डी माइनस एक्स. और सॉल्व करो जल्दी से, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये चीज ध्यान देनी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने दोनों के फोर्सेस क्या कर दिए हैं, इस पे इक्वेट कर दिए. तो फोर्स क्या होगा? पहले देखेंगे ये कितना लगाएगा, क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. दूसरा क्या होगा? क्यू वन क्यू टू होगा फोर क्यू एन क्यू. समझा कि नहीं? अब प्रॉब्लम यह है कि आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, अब यार ये आने के बाद क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्या कर देना चाहिए इसका हमें? स्क्वायर रूट. तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा?
जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? D/3। समझा या नहीं? अब ये चेक करके बताओ कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्या चेक करके बताना है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो यार सोचो, ये कौन सी पोजीशन है जहां पर दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, सेम इक्वल है। सोचो अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो किसके क्लोज जा रहे हो, बी वाले के ना, तो किसका फोर्स बढ़ जाएगा, बी वाले का फोर्स बढ़ जाएगा ना भाई, जिसके क्लोज जाओगे उसका फोर्स बढ़ेगा ना। हाँ, तो डेफिनेटली बी वाले का फोर्स बढ़ जाएगा, बट बी वाले का फोर्स लग किस तरफ रहा है, डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। इसका मतलब नेट फोर्स किस तरफ आएगा आपके पास, लेफ्ट की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। स्टेबल। सबको समझ आया कि नहीं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? हाँ सर। ठीक है, चले। सो ये डेफिनेटली स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा एक चीज सोचो, चले उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझे आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। एक क्यू है और एक -9 क्यू है। सर हाँ, D/2 लेकिन बीच में नहीं, वेरी गुड, यूके साइड में। ओके वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये था यार, देखो समझे, एक था माइनस क्यू और एक है, सॉरी एक है प्लस क्यू और एक है -9 क्यू। अब यार प्रॉब्लम समझो कि यार जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में ही मिले, समझे कि नहीं यार। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों के बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो वो कभी भी बैलेंस ही नहीं होगा। देखो ये प्लस वाला इसे कैसा फोर्स देगा, रिपेल, रिपेल, और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसे पुल, अट्रैक्ट। तो क्या कभी बैलेंस हो पाएगा क्या यहाँ पर? नहीं सर, नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अब हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा, इधर कहीं। अगर इधर कहीं किया तो ये वाला प्लस क्या करेगा, इसे रिपेल, और वो 9 क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट। प्रॉब्लम ये है कि ये प्लस क्यू के बहुत ज्यादा पास है ना, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्यू से क्या है, दूर है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, लेस होगा। लेकिन ये 9 क्यू है ना, तो फोर्स को फिर से क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब चांसेस है कि यहाँ पर दोनों फोर्स क्या हो सकते हैं, बैलेंस। चलो इस तरफ ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप 9Q के पास हो तो एक तो उसका फोर्स भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स क्या होगा, ये वाला काफी ज्यादा होगा। जबकि इसका प्लस वाला बहुत दूर है ना, और चार्ज भी क्या है, कम है, तो क्या कभी यहाँ पर बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। तो ये कॉमन सेंस है यार कि फोर्स डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज पे, और फोर्स डिपेंड करेगा 1/r² पे। ये कॉमन सेंस लगा के करना पड़ेगा।
तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली आंसर होगा किसके तरफ? टूवर्ड्स माइनस क्यू, सो प्लस क्यू, समझा कि नहीं? और फोर्स कैसे लिखेंगे? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नाइन क्यू बाई, ये डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी? डी प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, अगर मैंने इसे एक्स स्क्वायर किया। समझ आया कि नहीं सबको? Yes, sir. तो अभी क्या किया हमने? के क्यू कैंसिल और स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना आ गया? डी प्लस एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स का स्क्वायर मतलब थ्री एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी बाई टू। तो बताइए इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अच्छा सेम क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी बन सकता है इक्विलिब्रियम का, बस ग्रेविटेशन में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पेशल केसेस नहीं बन पाते, सिर्फ इन बिटवीन ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा ये चेक करके बताओ कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। चेक करके बताएं ये वाला चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे। चलो इस तरफ लेके आते हैं, अगर इधर लाए तो किसका फोर्स बढ़ जाएगा? प्लस क्यू का। प्लस क्यू का बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाइन क्यू का फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा। तब नेट फोर्स किस तरफ आएगा ये आप गेस कर सकते हो क्या ऐसे? नहीं सर। नहीं, प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं स्मॉल एक्स समझूंगा तो स्मॉल एक्स का इंपैक्ट तो इस पे और इस पे दोनों पे क्या आएगा? सेम, लेकिन डोमिनेटिंग कौन ज्यादा है? सर स्मॉल एक्स का मतलब, स्मॉल एक्स का मतलब ऐसा फील करते हैं कि मुझे पता है कि देखो इधर इधर देखें सब लोग, मान लेते ये डिस्टेंस कितनी है, टू फाइव ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं कितनी, फिफ्टीन, ये क्यू है ये नाइन क्यू है, समझा कि नहीं? अब सोचो मैं वन का चेंज लेके आता हूँ इधर, कितना? वन, तो ये फोर्स क्या आएगा? वन बाई फोर स्क्वायर आएगा ना, जबकि ये आएगा वन बाई नाइनटीन स्क्वायर। तो सोचो जब एक छोटे नंबर से कुछ माइनस कर लोगे तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला नंबर। मतलब फाइव में वन माइनस करोगे तो जो चेंजेस है वो ज्यादा कॉज करेंगे कंपेयर टू ट्वेंटी में वन माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये फाइव का 20% है, जबकि ये 20 के लिए सिर्फ मतलब 2% है, 5% है, समझा ना? हाँ सर। तो इसका मतलब किस में चेंजेस ज्यादा होंगे? ये पास वाले में, ठीक है ना? तो इसका मतलब कौन डोमिनेट करेगा? ये वाला प्लस क्यू, तो ये वापस से इसे वहीं पर लेके आ जाएगा। इसका मतलब कैसा है इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल, स्टेबल है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? देखें अब ये एक स्पेशल केस है, आप थोड़ा सा समझेंगे इस केस को, बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। है क्या? दो चार्जेस हैं, क्या है? दो इक्वल चार्जेस हैं और एक चार्ज, एक बार प्लस क्यू लेंगे और एक बार माइनस क्यू। चेक करके बताना कि इन दोनों के बीच में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल। तो जरा समझो, अगर आपने इसे लेफ्ट की तरफ पुल किया तो किसका फोर्स बढ़ जाएगा? ये वाले क्यू का बढ़ जाएगा ना। हाँ सर। ये ए है, ये बी है,
सोचो मैं बी के पास लेके जा रहा हूँ तो बी का फोर्स बढ़ जाएगा, बट बी का फोर्स कैसा था? रिपल्सिव था ना, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब वो उसे रिस्टोर करेगा या नहीं? करेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। स्टेबल। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कर रहे हैं इसलिए वो स्टेबल आ रहा है। जरा इसे वाई की तरफ डिस्प्लेस करके सोचो, ये हमने किया वाई की तरफ डिस्प्लेस। अब नेट फोर्स किस तरफ लगेंगे बताओ? प्लस क्यू लगेगा इधर और ये वाला लगेगा इधर। बताओ नेट फोर्स किस तरफ आया? वाई एक्स अपवर्ड। अपवर्ड। क्या स्टेबल हुआ क्या वो? नहीं सर। नहीं। तो समझ आया कि नहीं यार? एक्स एक्सिस में प्लस एक्स क्या है? स्टेबल। स्टेबल। लेकिन वाई एक्सिस में क्या है वो? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ऑप्शन पे रीड करके करना है कि ऑप्शन कहीं पे वाई एक्सिस के बारे में तो नहीं बता रहा। अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही एक्सिस में नहीं चेक करना, दोनों एक्स और वाई में समझना है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके चलते हैं माइनस क्यू के साथ ट्राई कर लेते हैं। सोचो बीच में प्लस क्यू की जगह क्या रख दें? माइनस क्यू। तब ए और बी फोर्सेस कैसे लगाएंगे? बी पुल करेगा। अब सोचो आपने लेफ्ट की तरफ इसे पुल किया तो किसके फोर्सेस बढ़ जाएंगे? बी के फोर्सेस बढ़ जाएंगे ना। हाँ सर। तो ये बी के तरफ ही चला जाएगा ना। स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अब जरा इसे वाई एक्सिस में करते हैं। अगर ये माइनस क्यू होता और y पे थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करते हैं तो अगर ये माइनस q है इसके वजह से फोर्सेस कैसे होंगे? इस तरह के। इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। तो अगर हमने ऊपर डिस्प्लेस किया तो वो कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये फोर केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्लस q रखेंगे तो x में स्टेबल है और y में y में अनस्टेबल। और अगर माइनस क्यू रखा तो x में क्या है? अनस्टेबल। और y में स्टेबल। अच्छा जब अनस्टेबल है तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पार्टिकल को आपने मूव कराया वो चला जाएगा दूसरे के पास। लेकिन अगर स्टेबल है तो रिटर्न आएगा ना, और अगर रिटर्न आएगा तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगी। तो अगर आपने किसी इक्विलिब्रियम वाले पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो क्या करने लग जाएगा? ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस। और अगर मुझे चेक करना है कि ये ऑसिलेशन SHM होगा या नहीं होगा तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोर्स एफ नेट। देखना पड़ेगा कि अगर ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया मतलब SHM है, और अगर नहीं आया तो SHM नहीं है। बता यहां तक समझ आया कि नहीं दोनों केसेस, स्टेबल अनस्टेबल? सर यहाँ पे वो न्यूट्रल का केस नहीं रहता है क्या? न्यूट्रल के लिए क्या रहेगा बताओ? न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब? मतलब डिस्प्लेस करने के बाद भी एफ नेट जीरो रहेगा। एफ नेट जीरो रहे तो न्यूट्रल तभी पॉसिबल होगा जब सारे पॉइंट पे क्या हो, एफ नेट जीरो हो रहा हो, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना? तो चले अब हम क्या फाइंड करने का ट्राई करेंगे? टाइम पीरियड वगैरह ऑसिलेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? ऑसिलेशन। तभी काम की बात यह है कि ये जो ऑसिलेशन का क्वेश्चन है ये नीट में सिर्फ थ्योरेटिकल ही आता है, मतलब नीट में सिर्फ थ्योरेटिकल है कि SHM होगा या नहीं। समझा कि नहीं? इसकी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है नीट वाले स्टूडेंट्स को। ओके हाँ सर। तो मैं रिजल्ट बताऊंगा कि कब SHM हो सकता है, वो आपको याद रखना है बस, आपको सॉल्विंग करने की कोई जरूरत नहीं है नीट वाले स्टूडेंट्स को। जेई के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड वगैरह भी पूछा जाता है जेई में, तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो देखें अपन क्या करने वाले हैं. इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल पोजिशन देन इसका मोशन हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना. ओके तो हमने क्या किया इस प्लस क्यू चार्ज को क्या किया थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, किसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा एफ टू का. एफ नेट फोर्स क्या होगा एफ टू माइनस एफ वन. और ये जो एफ टू माइनस एफ वन है इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ना. यस. तो इनडायरेक्टली अगर अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा F2 F1 निकालना पड़ेगा. तो F2 में देखो डिस्टेंस कम हो गई ना d माइनस x हो गई. मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r. तो F2 कितना हो जाएगा r माइनस x का स्क्वायर और F1 कितना हो जाएगा r प्लस x. तो हमने क्या किया कॉमन ले लिया k क्यूब और इसे सॉल्व कर दिया. इसे सॉल्व किया तो ये आ गया. क्या ये प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है क्या फोर्स यहाँ पे? नहीं, ऊपर तो एक्स है बट नीचे एक्स स्क्वायर भी है ना. तो क्या प्रोपोर्शनल टू एक्स है क्या यहाँ पर? नहीं. बट हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसे रीअरेंज करेंगे. हमने क्या लिया यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉमन लिए तो बाहर भी स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा टोटल आर पावर फोर. आर पावर फोर से एक फोर एक आर कैंसिल तो क्या आया आर क्यूब और रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा. ठीक है अब मुझे पता है कि अगर एक्स बहुत ही कम है आर से तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो. तो आंसर क्या आ जाएगा ये आप देखें फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में दिख रहा है एक्स के प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना. तो आंसर ये है कि ऐसी मोशन कैसी रहेगी कैसी मोशन रहेगी ऑसिलेटरी. एसएचएम कब रहेगी एक्स इज वेरी लेस देन आर. एक्स इज वेरी लेस देन आर. एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी और आर जो भी सेपरेशन. तो नीट वाले स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही लर्न करने की जरूरत है. समझा कि नहीं. अच्छा तो फिर जेई वाले स्टूडेंट को ये फिर इतना समझने की जरूरत क्यों है. क्यों? क्योंकि जेई में चेंज कर देता है बोल देता है कि सपोज द फोर्स वेरीज एज वन बाई आर देन प्रूव विच टाइप ऑफ मोशन इट इज. तो आपको फिर ये वन बाई आर के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि बायनोमियल लग रहा है या नहीं. समझे कि नहीं. ओके नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला लर्न भी करके रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये काम आता है क्या निकालने में टाइम पीरियड. अगर आपको पता है कि एसएचएम की इक्वेशन है प्रोपोर्शनल टू एक्स तो ये किसका काम करेगा पूरा के इक्वेशन. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एम अपॉन के और के की पूरी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर. समझा? Yes, तो इस तरीके से एसएचएम में टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कोई इशू नहीं है. पक्का क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में काम की बात क्या है ये क्लियर होनी चाहिए सबको. मोशन कैसी होगी उसकी मोशन कैसी होगी उसकी SHM, oscillatory. Oscillatory. अगर x बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस किया है तो हम बोलेंगे कि वो SHM होगी. सेम केस कहां पर देखने को मिलता है जब हम किस तरफ मूव कराएं नेगेटिव चार्ज को वर्टिकल. तो अगर नेगेटिव को वर्टिकल किया तो फोर्सेस होंगे ये तो रिस्टोर करने वाला फोर्स क्या होगा इस बार f का cos कंपोनेंट.
तो दो एफ है, दो कंपोनेंट आ जाएंगे टू एफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपन क्या लिख देंगे यहां से फॉर्मूला, बेस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो ये अपन ने लिख दिया बेस और हाइपोटेनस, ठीक। अब वहां से अपन को दिख रहा है कि अभी प्रोपोर्शनल टू वाई नहीं है क्योंकि नीचे भी वाई है, सो डेफिनेटली अपन क्या लगाएंगे, अब बाइनोमियल अप्रोक्सिमेशन, और वो लगाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर। अब एक चीज है जो आपको और लर्न करनी है, क्या इन दोनों केसेस में देखो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पर टाइम में क्या एक्स्ट्रा आ रहा था, फोर, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है फोर, तो यहां पर फोर आएगा ना फाइनल, मतलब सेम चीजों में, जबकि यहां पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है टू। तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस पे स्लो मूव करता है वो कंपेयर टू x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे टाइम ज्यादा लगता है रूट टू टी। अब सोचो ये चीज अगर आपको लर्न है तो बस यही क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाना है, सॉल्व करने वाले सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको डायरेक्टली लर्न है तो आप तुरंत मार्क कर सकते हो कि एक्स और वाई एक्सिस के ऑसिलेशन में वाई वाला स्लो होता है, इसलिए वाई का टाइम पीरियड ज्यादा होता है। समझ आया कि नहीं यार? यस सर। हाँ, तो पता काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि मैं बार बार ये फोर्स करता हूँ आपको, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है वो आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बिल्कुल सीखने हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत ही लेंदी होते हैं। तो आपको जो स्पेशल चीजें हैं वो क्या करके रखनी पड़ेंगी, लर्न। जितना ज्यादा आप लर्न करके रख पाओगे, जितना ज्यादा लर्न करके रख पाओगे उतना ही फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। पक्का सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने चार्जेस में फोर्सेस की बातें की हैं, तो आज का पूरा डिस्कशन हमारा किस पे रिलेट था, पूरा फोर्सेस पे, कि फोर्स कैसे निकालना है। कल अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स। सो हमें पता चलेगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में बात की थी कि ओरिजिन क्या है, फील्ड। क्या है ओरिजिन? फील्ड। यार एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अपनी क्या होती है, फील्ड होती है। उस फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो ये उसको फोर्स लगाता है। समझा या नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो अभी क्या होता है, फील्ड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि किस किस टाइप के चार्ज के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो हमें किस टाइप के चार्ज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नंबर वन, पॉइंट चार्ज। क्या? तो पॉइंट चार्ज मतलब कुछ सोचने वाली बात है क्या? पॉइंट चार्ज मतलब उसका डायमेंशन वगैरह नहीं दिया होगा। समझा कि नहीं? उसके बाद किस टाइप का होता है? लीनियर, मतलब क्या दे दिया, एक एक वायर को चार्ज दे दिया। अगर एक वायर को चार्ज दे दिया डेफिनेटली, तो तब आपको क्या देगा, वहां पर क्या देगा भाई? जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। समझा कि नहीं यार? तो कहां कहां देखने को मिलेगा ये? यार बताओ भाई, कहां कहां देखने को मिलेगा? वायर, रिंग, आर्क, मतलब जो भी एक स्ट्रेट लीनियर जो लेंथ के बारे में चीजें होंगी वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एरिया, एरियल, या फिर सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? सिग्मा। सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए।
तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? डिस्क में, समझा या नहीं? प्लेन शीट में, समझा कि नहीं? हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फीयर में सरफेस पे ही तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि अंदर तो प्लेस ही नहीं है। समझा कि नहीं यार? चार्ज डेंसिटी कहाँ यूज होगा? हाँ सर। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा? चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसा कहां देखने को मिलेगा? सॉलिड टाइप की चीजों में। हमारे सिलेबस में कौन सा एग्जांपल है? सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब एक प्रॉब्लम आएगी कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। सोचो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तब ऐसे नहीं कर पाएंगे। तब हमें फंक्शन देगा कि यार चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एक स्फीयर में थ्रू आउट सेम नहीं है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अपन इस रो को डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द चार्ज इन टोटल स्फीयर। तो अगर मुझे टोटल स्फीयर में चार्ज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेंसिटी इनटू पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 πr³। लेकिन अगर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या ऐसे लिख पाओगे क्या? नहीं। तब क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। तो मान लेते रो क्या है, k इनटू r, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? dv। तो dv कितना होगा इसका? 4πr² (dr). समझा कि नहीं? तो इस तरीके से अपन फॉलो अप करेंगे चीजों को। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट उसमें अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के वजह से फील्ड होगी। याद है हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी फील्ड? तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा कल के लेक्चर के पहले आप लोग ग्रेविटेशन रिवाइज करके आएंगे क्या? सिर्फ फील्ड वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? फील्ड। ठीक है, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ज्यादा डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज हैं, वो सारी कुछ फील हो जाएंगी। ठीक है, तो कल लेक्चर से पहले आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट क्या? नहीं, एक बार नोट्स रिवाइज करो अच्छे से, कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, कल अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए काफी है। चलो, बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।